दोस्तों ये है पाकिस्तान के सबसे खतरनाक एसएसजी कमांडो। ऐसा हम नहीं बल्कि पाकिस्तान के लोग मानते हैं। एसएसजी कमांडो की ट्रेनिंग के दौरान एक मिनट में कम से कम 40 पुशअप और 40 सेटअप लगानी पड़ती है और इसके साथ साथ 1600 मीटर की दौड़ भी करनी पड़ती है। और दोस्तों ये है इंडिया की मार्कोस कमांडो। इन कमांडो को दुनिया के सबसे बहादुर और शक्तिशाली कमांडो के तौर पर जाना जाता है। मार्कोस कमांडो को मेंटली और फिजिकली दोनों तरह से ट्रेन किया जाता है। इन कमांडो की ट्रेनिंग इतनी सख्त होती है कि 1000 जवानों में से केवल एक ही मार्कोस बन पाता है। मार्कोस कमांडो को 5 हफ्ते तक की हार्ड ट्रेनिंग से गुजरना पड़ता है, जिसमें 25 किलोग्राम वजन अपने कंधे पर रखकर 800 मीटर कीचड़ में चलना पड़ता है और पैराशूट के साथ 11 किलोमीटर की ऊंचाई से छलांग लगानी पड़ती है। इन कमांडो को चाकू, धनुष, स्नाइपर राइफल, हथगोले व नंगे हाथों से लड़ने की भी ट्रेनिंग दी जाती है। तो दोस्तों इन कमांडो में कौन सा सबसे बेहतरीन कमांडो लगे कमेंट करके जरूर बताएं। क्या होगा अगर पाकिस्तान भारत के ऊपर परमाणु मिसाइल से हमला कर दे? इस वीडियो में हम युद्ध के एयर कंडीशन को देखेंगे कि परमाणु हमले से दोनों देशों पर क्या असर पड़ता है। सबसे पहले अगर पाकिस्तान अपने परमाणु ठिकानों पर किसी भी प्रकार की हलचल गतिविधि करता है तो भारत के सैटेलाइट से छिपे नहीं होंगे, क्योंकि भारत पाकिस्तान के परमाणु ठिकानों पर हर समय ट्रैकिंग करता रहता है। जैसे भारत को पाकिस्तान के परमाणु ठिकानों पर हलचल दिखेगी, भारत उन पर हमला करके उन्हें नष्ट कर देगा। अब दूसरी कंडीशन में अगर पाकिस्तान ने भारत के ऊपर परमाणु मिसाइल से हमला कर दिया तो भारत की धरती पर गिरने से पहले भारत का S-400 उन्हें हवा में ही नष्ट कर देगा। अब देखते हैं युद्ध की सबसे खतरनाक कंडीशन। अगर पाकिस्तान के द्वारा छोड़ी गई परमाणु मिसाइल भारत की धरती पर गिर जाती है तो भारत की लगभग 20 करोड़ जनसंख्या मर जाएगी। लेकिन इस परमाणु हमले का जवाब दिया जाएगा तो भारत के परमाणु हमले से पाकिस्तान इस धरती के नक्शे से मिट जाएगा। तो दोस्तों आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में यस या नो जरूर लिखिए।